नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारी खास पेशकश अब दोपहर 2 बजे की शो की, जिसमें आज हमारा मुद्दा है महिला दिवस पर। महिला दिवस सोच बदलने का दिन। महिला दिवस, सबसे पहले तो आप सभी को हम इसकी बधाई भी दे देते हैं। महिला दिवस के मौके पर हम ये आज कह रहे हैं कि महिला दिवस सोच बदलने का दिन है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वैसे तो रोजाना ही सोच बदलने का दिन होता है, लेकिन आज के मौका बेहद खास है। महिलाएं आज हर सेक्टर में कामयाबी का झंडा बुलंद कर रही हैं। वो सब कुछ हासिल करने की क्षमता रखती हैं जिन पर पहले कभी पुरुषों का एकाधिकार था। लेकिन थोड़ा ठहरिए और सोचिए, महिलाओं की न क्षमता में कोई कमी है, ना ही काबिलियत में और ना ही उनके जज्बे में। लेकिन क्या ये सही नहीं है कि इतना कुछ होते हुए भी महिलाओं को लेकर सोच बदलने की जरूरत है? तो चलिए, महिला दिवस पर हमसे जुड़िए, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। हमारा नंबर है 8178999182। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि समाज में ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में महिलाओं के प्रति सोच बदलने की जरूरत है, और कैसे उस सोच को बदला जा सकता है? आप अपनी राय हमसे साझा कीजिए। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी, हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे, हमारे साथ आयुषी जैन जुड़ेंगे, साथ ही हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ महिलाओं के साथ। वहां पर उन महिलाओं से हम बातचीत भी करेंगे। विकास तिवारी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। आयुषी रुक, सबसे पहले हम आप ही का करते हैं। कुछ महिलाएं दिख रही हैं आपके साथ, सबसे पहले तो उनको और आपको भी महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो मुद्दा हमने उठाया है कि महिला दिवस पर सोच बदलने का ये दिन है, क्या वो ऐसी चीज मानती है समाज में या खुद परिवार में अपने घर में जिसके प्रति उनको लगता है कि सोच बदलना बहुत जरूरी है? बिल्कुल ज्योति, आपको भी महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। वो कहा जाता है ना कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो चाहे बहन हो, बेटी हो, माँ हो या किसी भी रूप में हो। लेकिन आज भी कुछ चीज़ों में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। महिलाओं को लेकर जो कुछ लोगों की सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है। हमारे साथ कुछ महिलाएँ मौजूद हैं, मैं इनसे ही जानूंगी। क्या नाम है आपका? जी, मोनिका कुलेरी। आप भी देखते हैं कि आजकल लड़कियां काफी आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है चेंज होनी चाहिए लोगों की थिंकिंग से लेकर माइंडसेट? जी, लोगों को थिंकिंग से लेकर ये चेंज होना चाहिए कि जो लोग, जो अपने देश है ये पुरुष प्रधान देश माना जाता है, तो ये वाली थिंक है वो चेंज होनी चाहिए थोड़ी लोगों में, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ने की जरूरत है। जब तक महिला सेल्फ डिपेंड नहीं होगी और वो खुद के लिए बेहतर कुछ नहीं कर पाएगी ना, तब तक हमारा देश है वो पुरुष प्रधान की श्रेणी से बाहर नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल, पुरुष प्रधान देश आपको ऐसा लगता है कि है और अब इसको बदलने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? गोल्डी स्वर्णकर। क्या कहेंगे आप इस पर, क्या कुछ सोच है जो लोगों में बदलाव लाना चाहिए इसको? मैम, सबसे पहले तो उन लोगों को, सभी महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए, चाहे वो गांव से बिलोंग करती हूँ चाहे वो शहर से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि वो कहा गया है ना कि अगर घर के एक आदमी को शिक्षित करेंगे तो एक ही इंसान शिक्षित होगा, लेकिन अगर घर की एक नारी को शिक्षित किया जाएगा तो पूरे परिवार शिक्षित होगा। तो मेरा मानना यही है कि सबसे पहले तो उनको शिक्षित किया जाए, शिक्षित करेंगे तो पुरुष प्रधान देश को महिला प्रधान भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल ज्योति, आपको बताएं कि भोपाल की महिलाएं हैं जो उनका कहना है कि यदि किसी एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो वो सिर्फ पुरुष शिक्षित होता है, लेकिन यदि किसी एक औरत को पढ़ाया लिखाया जाता है तो पूरा परिवार शिक्षित करती है। तो इस सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज भी हम कई जगह देखते हैं, छोटे छोटे गाँव की बात करें या कस्बों की बात करें, महिलाओं को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जाता है, उनको पढ़ाई करने से रोका जाता है, बाल विवाह भी कई जगहों पर। जी, हम आयुषी कोशिश ये भी कर रहे हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा लोगों के कॉल लें, क्योंकि इस मुद्दे पर हम जानना चाहेंगे लोगों की क्या राय है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी कहिए, क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है उसमें महिलाओं को, मतलब उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। जी, महिलाओं की भागीदारी वैसे राजनीति में धीरे धीरे बढ़ रही है, जो संख्या थी पहले वो पहले के मुकाबले अब उसमें इजाफा हो रहा है। आयुषी देखिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, विकास का भी हम रुक कर लेते हैं। विकास, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि राजनीति में जो महिलाओं की भागीदारी है उसमें थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए, बहुत बड़ा फासला अभी है महिला पुरुषों में राजनीति की बात करें तो। बिल्कुल ज्योति, सबसे पहले आपको महिला दिवस की बधाई, और सबसे अच्छी बात है कि आज महिलाओं की बात आप स्वयं महिला एंकर होकर उठा रही। जब मुझसे कहा गया कि महिला दिवस पर बातचीत करनी होगी कुछ महिलाओं से, कुछ महिलाओं को एकत्रित कर लिया जाए, सबसे पहले राजनीति से जुड़े हुए महिलाएं या समाज सेवा से जुड़ी जो महिलाएं,
मैंने सोचा उन्हें एकत्रित कर लिया जाए, लेकिन फिर मुझे लगा कि हर बार इसी तरह से पढ़ी लिखी महिलाएं, जो जागरूक महिलाएं हैं, जो समृद्ध महिलाएं हैं बौद्धिक तौर पर, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन महिला दिवस 1975 में जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान्यता दी 8 मार्च को, और 100 साल तक लंबी लड़ाई के बाद जब अमेरिका से लड़ाई शुरू हुई थी न्यूयॉर्क से, और 1975 से जब इसे मान्यता दी गई, और आज 50 साल हो गए हम महिला दिवस मना रहे। 50 साल लगभग बीत जाने के बाद मैं बस्तर से रिपोर्ट कर रहा हूँ और बस्तर कम्युनिटी टीम के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो क्या बस्तर की महिलाओं को पता भी है कि आज कौन सा दिन, उनके लिए कितना बड़ा दिन है, उनके लिए किस तरह से बातचीत की जा रही है? तो मैं आज जगदलपुर का जो सबसे बड़ा बाजार है संजय बाजार, वहां पर आया हूँ। आप मेरे पीछे अगर देखें तो सब तरफ आपको अधिकतर संख्या में महिलाएं ही नजर आएंगी। ये महिलाएं अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सुबह से अपने घरों से निकलती हैं और यहाँ पर दिन भर सब्जी बेचती हैं और शाम को वापस जाती हैं। उनसे जानते हैं, इनको पता है कि महिला दिवस क्या है? अम्मा आपको पता है कि आज कौन सा दिन है? नहीं मालूम। महिला दिवस है, जानकारी है? नहीं मालूम। क्या लगता है, औरत लोग का दिन थोड़ा बहुत ठीक हुआ है क्या पहले से? ऐसे ही है, कोई खास सुधार दिखा? सरकार आती जाती है, कभी महिलाओं के लिए बोलते हैं कि हमेशा महिलाओं का उद्धार करेंगे, आज मोदी जी 100 रुपए सिलेंडर में भी कम कर दिए बोलते हैं। पता चला है? कुछ पता नहीं चला है। तो आप देखें ज्योति कि इन ऐसी महिलाओं की संख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा है, निचली बस्तियों में रहने वाले ऐसे काम करने वाली महिलाएं। एक दीदी बता रही, उनको कुछ नहीं पता है। तो आपको ये पता है कि आज महिला दिवस है? शिवरात्रि है, पता है। महिला दिवस पता है नहीं? तुम सुनी थी कि नहीं महिला दिवस के बारे में? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, आप तो रोज बाजार आ रही, तमाम लोग से मिलती हूँ, महिलाओं का स्थिति पहले से बेहतर हुआ क्या? कोई बताएंगे तब तो पता चलेगा, भैया दिन भर तो हम लोग सब्जी बेचने में फुर्सत नहीं रहता। कितना कमा लेती है दीदी? पता नहीं चलता है, 3 दिन एक सामान, एक दिन सामान लेके 3 दिन बेचेंगे तो आप कमाई कहाँ देखेंगे? रोज आप अपने घर निकल जाता है। आपके पति क्या करते हैं? पति छोड़ के भाग गए हमारे। अरे तो परिवार आप ही चला रहे? तो ऐसे कई महिलाएं हैं ज्योति, आप देखें कि आप चारों तरफ देखें, मैं इसलिए आज इस बाजार में आया हूँ, आपको जिस तरफ भी आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे केवल महिलाएं ही, हर महिलाएं अपने घर की आर्थिक जिम्मेदारी को संभाल रही, और इसमें से आप जिससे भी पूछ लें। दीदी आपको महिला दिवस के बारे में पता है क्या है? नहीं पता। मतलब जितनी भी महिलाएं हैं, हम समृद्ध महिलाओं से बातचीत करते हैं कि वो महिला दिवस को लेकर क्या सोचते हैं और महिला दिवस में क्या होना चाहिए, लेकिन जितनी जो बड़ी संख्या महिलाओं की है उनको पता ही नहीं है कि महिला दिवस आखिर है क्या। अब मैं यहाँ सामने एक ज्वेलर्स की दुकान है, वहां भी मैं देख रहा था कि एक महिला बैठी, उनसे पूछते हैं उनको महिला दिवस के बारे में क्या जानकारी। दीदी आज महिला दिवस आपको पता है? आज देखिए महिलाएं बात कर रही थी, आप तो यहाँ ज्वेलर्स की दुकान बैठी है और आप बात नहीं कर रही, कुछ पता है महिला दिवस पर? नहीं पता है। अब देखिए मतलब दीदी यहाँ ज्वेलर्स की दुकान बैठी है, महिला दिवस पर कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन ये है ज्योति असल जो तस्वीर है महिला दिवस की। विकास, जब मैं आपका फ्रेम देख रही थी मुझे कोई महिला नहीं नजर आ रही थी पीछे, ये नहीं पता था कि आपका वो जो फ्रेम है जो खाली दिख रहा था उसके पीछे का मकसद क्या है, जो असली तस्वीर है आज महिला दिवस पर खास तौर से। बहुत खूबसूरत तस्वीर आपने हमें दिखाई, जहां पर पूरा जो बाजार है जगदलपुर में महिलाएं ही संभाल रही हैं, और कुछ एक ऐसी महिलाएं जिनको बीच सफर में बीच राह में छोड़कर उनके साथ ही चले गए हैं, वो अब पूरी मजबूती के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही हैं, आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। विकास हम फिर से आपके पास लौटेंगे, और शुरुआत भी आपने बहुत अच्छी की थी, जो बैकग्राउंडर आपने पूरा महिला दिवस को लेकर बताया था। आयुषी हमारी सहयोगी भी हमारे साथ बनी हुई है, आयुषी कुछ और महिलाएं आपके साथ जुड़ गई हैं। हम ये भी चाहेंगे जो हमारा आज मुद्दा है, और एक बार कॉलर से भी हम अपील कर देते हैं कि आप महिला दिवस से आज आपके हिसाब से वो क्या खास एक ऐसा बदलाव है जो आप चाहते हैं, जो होना चाहिए समाज में, आप अपनी राय साझा कीजिए। हम फोन नंबर भी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आयुषी आप कुछ महिलाओं से बात करें और जानें कि समाज में क्या बदलाव वो चाहती हैं।
बिल्कुल ज्योति, लेकिन अभी मैं सुन रही थी हमारे जगदलपुर के जो साथी थे उन्होंने बताया कि 10 में से 8 महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्हें इस दिन के बारे में पता भी नहीं है। चूंकि आज महाशिवरात्रि है तो उन्हें ये जरूर मालूम है कि आज महाशिवरात्रि है, लेकिन आप सोचिए महिला होने के बावजूद उन्हें खुद का उनका दिन नहीं पता है कि आज महिला दिवस है। तो वह उनको आप समझिए किस लेवल पे जाकर उनको जागरूक करने की जरूरत है। मेरे साथ और भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? निशिका प्रजापति। ऐसी कौन सी आपको लगता है कि समाज में जो सोच है वो बदलाव आना चाहिए, या लड़कियों को लेकर या महिलाओं को लेकर? हम बेटियों को बहुत समझा जाता है, वो सोच को बदलने की ज़रूरत है। जैसे ही सोच खत्म होगी तो लोग लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर देंगे, पढ़ाएंगे तो लड़कियां अपने आप में वो मुकाम हासिल कर सकती हैं जो लड़के करते हैं। ऐसे ही समाज की सोच बदली जा सकती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लड़कियों को घर से ही परमिशन नहीं मिलती है, उनको आगे पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, इस चीज़ पे कैसे काम किया जा सकता है? जी मैम, ये सोच बहुत गलत है, लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। यही वजह है कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उन्हें उतना मौका नहीं दिया जाता जितना लड़कों को दिया जाता है। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि जिस तरीके से मौका लड़कों को दिया जाता है उतना मौका लड़कियों को नहीं दिया जाता है। लेकिन ये हर जगह का मैं आपको बताऊं, हर जगह की ये तस्वीर नहीं है, लड़कियां आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन हाँ कुछ क्षेत्रों में आज भी लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए और भी प्रयास करने की ज़रूरत है। उनको उनके अंदर जो अवेयरनेस है वो ही नहीं है, घर परिवार से ही उनको जो आपको बताऊं कि छूट है वो उनको लगता है कि गलत तरीके से आगे बढ़ जाएंगी। आगे बढ़ने से उनके काफ़ी तरीके से रोका जाता है, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। आपको बताएं बाल विवाह सबसे अधिक होने लग गए हैं आजकल गाँव में, खासकर गाँव कस्बों की बात करें तो वहाँ बाल विवाह हमें देखने को मिलते हैं। लड़कियों की उम्र महज 16-17-18 साल होती है और उनकी शादी कर दी जाती है, तो ना उनको इस बारे में कुछ पता होता है, ना वो अपना करियर आगे बढ़ा पाती है, ना अपने पैरों पर खड़ी हो पाती है। इससे मैं आपको बताऊं ज्योति, एक और चीज़ है जो निकल कर सामने आती है, घरेलू हिंसा जैसी चीज़ें। क्या होता है जब लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, माँ बाप उनकी शादी कर देते हैं, और जब वो आगे बढ़ती हैं तो उनके साथ मारपीट होने लगती है। जब लड़की अशिक्षित होती है तो उनको किसी भी गांव में या कहीं ऐसी जगह शादी कर दी जाती है, तो ये चीजें काफी लड़कियों के जीवन को खराब कर रही हैं। कहीं ना कहीं और भी लोग मौजूद हैं। आयुषी, हम विकास का भी रुक कर लेते हैं, उनके साथ तो काफी पूरे बाजार में महिलाएं ही हैं जो कि पूरे बाजार को चला रही हैं, दुकानों को चला रही हैं। विकास, काफी लोगों से, महिलाओं से आप, माफ कीजिएगा, बहुत महिलाओं से आप बातचीत कर रहे थे, हम चाहेंगे और कुछ महिलाओं से बातचीत करें, जाने क्या करती हैं, पता है नहीं पता है महिला दिवस के बारे में, क्या बदलाव वो चाहती हैं महिलाओं के लिए। देखिए ज्योति, मैं पूरी तरह से ऐसे इलाके को ढूंढ के पहुंचा हूं जहां पे महिलाएं ही हैं। आज महिला दिवस है, एक बहुत तस्वीर मैं खूबसूरत दिखाता हूं आपको, एक महिला है स्मार्टफोन चला रही है। देखिये आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इनके हाथ में स्मार्टफोन है, देखते हैं दीदी को क्या पता है महिला दिवस के लेकर। ये बताओ महिला दिवस जानती हो? महिला दिवस पता है कि नहीं? नहीं पता है, कुछ तो बता दो। नहीं नहीं मालूम तो, ये है इस तरह से। लेकिन इधर एक दीदी बैठी है, हर कोई एक दूसरे को देखा। दीदी क्या नाम है आपका? शांति। आज पता है आपको महिला दिवस है? नहीं, आज महिला दिवस भी है, दोनों एक साथ है, आपको पता ही नहीं। दीदी पढ़ाई वढ़ाई की होगी? कहाँ तक? आखिरी तक पढ़ी है? कब से लगा रही दीदी बाजार यहाँ पे? 5 साल से। अच्छा, शादी वादी हो गया क्या? हो गया, बच्चे हैं? हैं, तो परिवार को पालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका आपका भी है मतलब है? अच्छा, कितना है? है? एक के कमाई से नहीं होता, इसलिए दोनों को कमाना पड़ता है। क्या लगता है दीदी समाज में महिलाओं की स्थिति पहले से कैसा है? पहले से अच्छा हुआ? पहले ठीक हुआ? अच्छा, अब निकल रही है, ठीक है। कहाँ से आती हैं आप? धर्मपुरा से, ठीक है। तो ये मैं शहर में हूँ और शहर से काफी दूर से यहाँ महिलाएं रोज आती हैं, रोजमर्रा। मैं सुबह यहाँ से, जब मैं भी घर के लिए सब्जी लेने आता हूँ तो देखता हूँ महिलाएं सुबह से ही यहाँ पर आकर बाजार अपने हिस्से के जो जमीन हो संभालती है, सब्जियां लाती हैं। अम्मा आप कहाँ से आती हो? पंडीपानी। वो तो यहाँ बहुत दूर है, तो कैसे आती हो? ऑटो से। और घर कब जाओगी? 8 बजे जाएंगे रात में। अच्छा, तो घर के लिए पूरा पैसा आप ही कमा रही है? आपके पति कुछ करते हैं? पति खत्म हो गए। देखिए ज्योति, मैं यहाँ जितने लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, एक महीना ने बताया उनके पति छोड़ चले गए हैं, एक महीना उनके पति खत्म हो चुके हैं, और एक जो दीदी उन्होंने बताया कि किस तरह से जो बोलते हैं ना पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना,
एक नया तस्वीर हो दी थी क्योंकि अपने पति के साथ मिलकर बता दी कि घर पूरा नहीं हो पाता, वह यही वजह है कि वो भी अपने पति का साथ देने के लिए सुबह आती है और रात 8 बजे यहाँ से वापस लौटती है दिन भर से कमा के ईमानदारी से और मेहनत के साथ। ये महिला और ये जी ये तस्वीर ये भी दिखाती है कि अब महिलाएं पुरुषों की पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकल रही हैं। और जैसे कि एक महिला ने कहा भी कि एक की कमाई से गुजारा नहीं चलता है, इसीलिए वो भी उतनी ही मेहनत कर रही हैं। आयुषी का रुख कर लेते हैं। आयुषी, कुछ और अगर महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं तो हम उनकी भी आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, वो क्या सोचती हैं इस बारे में, क्या राय उनकी है, ऐसे कौन से वो उनको लगता है ऐसे क्षेत्र है जहां पर महिलाओं की जो भागीदारी है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीज ऐसी मूवमेंट जो कि वो अपने स्तर पर, अगर हम उन्हीं से जानना चाहें कि वो खुद क्या बदलाव करेंगी अगर अपने परिवार की छोटी बच्चियों से ही उनको शुरुआत करनी हो तो। बिल्कुल, अगर लड़कियों या महिलाओं के बारे में बात हो रही है तो इससे बेहतर, महिलाओं से बेहतर तो कोई बता नहीं सकता। मैं इनसे ही ये सवाल पूछूंगी, क्या कुछ बदलाव है, क्या कुछ चीज़ें हैं जो आगे हो सकती हैं वुमेन्स को और बेटर बनाने के लिए? सबसे पहले तो वुमेन्स की शिक्षा में जोर देना चाहिए गवर्नमेंट को, और क्या बोलते हैं नए कॉलेज से स्कूल से उनको जागरूक करने के लिए बनाने चाहिए। मतलब स्पेशली मैं ये कहूँगी कि गांव में तो बिल्कुल जागरूक करना चाहिए कि गांव में स्कूल्स कॉलेज बढ़ाएं या फिर कोई ऐसी योजनाएं निकालें कि जिससे कि उन लोगों को मोटिवेट हो या फिर उन लोगों को पता चले कि मतलब पढ़ाई क्या होती है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं घर में ये कहते हैं कि लड़कों को तो पढ़ाया जाता है लेकिन लड़कियों को मत पढ़ाओ, लड़कियाँ होने पर भी बहुत ज़्यादा दुख किया जाता है कि हाँ कि लड़की हुई है। क्योंकि मैं लड़कियों के लिए दो लाइन अपनी तरफ से ये बोलना चाहूँगी कि महिला किसी गुलाब की मोहताज नहीं होती, महिला किसी गुलाब की मोहताज नहीं होती क्योंकि वो खुद अपने आप में एक बागवान है इस कायनात की। यदि महिला नहीं होगी तो ना आपका फ्यूचर होने वाला है ना प्रेजेंट है, क्योंकि जो भी इसकी कार्यकर्ता है वो एक महिला ही है। आप शादीशुदा हैं, बाहर भी काम करती हैं जी, तो कैसे आप वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करती हैं क्योंकि बच्चों को क्योंकि भी संभालना होता है। मेरे माता पिता ने कभी मतलब हम लोगों भाई बहनों में कभी ऐसा डिफरेंस ही नहीं किया क्रिएट। हम लोगों को बचपन से एक ऐसे ही एटमॉस्फेयर मिला है कि हमें पता ही नहीं चला कि हम लड़की हैं या हमारा भाई लड़का है तो उसको पढ़ाना चाहिए। हम लोगों को शुरू से ही फ्रीडम मिली है कि हम काम कर सके, तो आज हम लोग इतने डिपेंड हैं कि हम घर को भी देख पाते हैं, अपनी बेटी को भी संभाल रहे हैं और बाहर का काम भी कर रहे हैं। कुछ लड़कियां लेकिन आज भी हैं जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, दूसरों पर डिपेंड है, कभी पिता पर कभी अपने पति पर, इस पर क्या कहेंगी आप? मैं सबसे पहले तो ना उन माँ बाप को बोलूंगी कि जो दहेज के लिए पैसे जोड़ के रखते हैं, मैं ये बोलूंगी कि जो दहेज के लिए पैसा जोड़ा जाता है उसको उनके पढ़ाई लिखाई में इन्वेस्ट करिए, ताकि जब आप पढ़ाई लिखाई में इन्वेस्ट करेंगे वो अपने सेल्फ डिपेंड हो जाएंगी, उसके बाद उनको दहेज देने की नौबत ही नहीं आएगी कभी कि उनकी शादी के लिए आपको इतनी चिंता करनी पड़े। ना कहीं दहेज प्रथा पर भी रोक लगनी चाहिए। जी रोक लगनी चाहिए। जी आयुषी, बिल्कुल, जैसा कि ज्योति इन्होंने बताया कि कई बार महिलाएं जो है माँ बाप जो है वो पैसा तो इकट्ठा करते हैं लेकिन वो पैसा लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की बजाय उनकी शादी में और दहेज में देते हैं। करना बहुत ज्यादा जरूरी है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आयुषी, हम जो विकास के वहां से तस्वीरें देख रहे हैं उसमें हमें ऐसी महिलाएं भी दिख रही हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जो बातें वो बता रही हैं वो बहुत ही अव्वल दर्जे की बातें बता रही हैं और ऐसी बातें बता रही हैं कि सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर देता है। विकास, अगर हम एक सामान्य सी बात करें जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन से किया था कि घर पर, अगर मैं आप अपने घर की ही बात करूं या आप भी इन चीजों को शायद आपके सामने भी ये चीजें आती होंगी, ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ी लिखी फैमिली है तो वहां पर ये सब कुछ नहीं होता है। हमेशा एक लड़की से लेट आने पर, देरी से आने पर सवाल किया जाता है, घर का अगर कोई लड़का है वो देरी से आ रहा है कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। इस बात को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बात खड़ी की थी कि क्यों अगर लड़की थोड़ी सी देरी से आ जाएगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, कोई भूकंप नहीं आ जाएगा, क्या ऐसा होता है? अगर मैं आप ही से चलिए एक सवाल पूछ लेती हूँ, घर की कोई महिला अगर देरी से आ रही है क्या आप इतनी आजादी देंगे कि ठीक है काम से अगर वो ऑफिस में लेट हो गई है देरी से आ गई है तो कोई बात नहीं? देखिए ज्योति, ये तो आपने मेरे से बड़ा निजी सवाल किया है, मैं आपको बताऊँ मेरे अपने घर की स्थिति। मेरी जो बड़ी बहन है वो खुद सरकारी नौकरी कर रहे हैं और मेरी जो माँ है वो रिटायर हो चुकी है, वो भी नौकरी किया है उन्होंने, और मैंने बचपन से वो माहौल देखा है कि कैसे मम्मी जब ड्यूटी जाती थी और वहां से जब कई दफे उन्हें लेट हो जाता था, लेकिन उन पर सवाल नहीं होते थे।
कई दफे उन्हें दौरे पर जाना होता था तो उन पर कोई संदेह नहीं किया जाता था। घर का माहौल इतना सकारात्मक रहा है और यही वजह है कि हमारी जो जो मेरी मम्मी है वो हमेशा से परिवार को आगे बढ़ाने और उन्हें पढ़ाने को लेकर उनकी काफी सकारात्मक भूमिका रही है। मुझे लगता है इस तरह की भूमिका अगर किसी भी परिवार में होगा तो परिवार निश्चित तौर पर समृद्ध होगा, बौद्धिक तौर पर, आर्थिक तौर पर तो आपकी मेहनत है समृद्ध होगा, अपने बौद्धिक तौर पर अगर आप बौद्धिक तौर पर समृद्ध हैं तो निश्चित तौर पर हर दिशा में आप समृद्ध हो सकते हैं। हर घर, लेकिन हर घर की कहानी ऐसी है। बिल्कुल विकास, हम महिलाओं की तो बात आज कर ही रहे हैं, हम चाहेंगे अगर एकाध पुरुष आपके आसपास हो तो आप उससे भी आज इस पर राय जरूर लें। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतना से हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़े हैं। जी रमेश जी, कहिए क्या कहेंगे आप आज विमेंस डे के मौके पर, वो क्या सोच है जिसमें बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है? हम कहेंगे यह जी, जी रमेश जी हम आपको सुन रहे हैं, आप कहिए अपनी बात। हम आज ये कहेंगे कि आज के दिन बाल विवाह प्रथा जी समाप्त करने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। जी रमेश जी शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो कॉलर्स हैं जो अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि क्या बंद होना चाहिए, किस पर रोक लगा देनी चाहिए। बाल विवाह प्रथा पर पूरी तरीके से रोक लगी हुई है, बैन है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी चोरी छिपे बाल विवाह किए जाते हैं। तो तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो महिलाओं की राय जान रहे हैं। अगर हम लगातार महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी राय जान रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं आज के दिन के बारे में, और क्या वो ऐसी सोच है, क्या वो ऐसी बात है जो कि बदलाव लाना जिसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं जो कि सामने आए हैं कि किस तरीके से अगर हम राजनीति की बात करें या और क्षेत्रों की बात करें उनमें महिलाओं की भागीदारी में इजाफा हुआ है या फिर कमी आई है। आयुषी कुछ और अगर महिलाएं आपके साथ जुड़ गई, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा आप उन्हीं का रिएक्शन ले, क्या कहती है आज के दिन को लेकर। ज्योति यदि आप महिलाओं से, तो मैंने आपकी बातचीत करा दी, कुछ पुरुष भी हैं यहाँ, एक बार हम उनकी राय भी ले लेते हैं क्योंकि महिलाओं के दिन पर पुरुष की क्या सोच है, क्या राय है, वो भी जानना और हमारे NDTV के माध्यम से दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। आज महिला दिवस है, क्या कुछ आपको लगता है महिलाओं को लेकर बदलाव होना चाहिए? अभी आप देख रहे थे कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी अपनी राय रख रही थी हमारे चैनल के माध्यम से, आपको क्या लगता है क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि आज भी कई जगह लड़कियों को दबाया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। पहले की प्रॉपर अप्रोच नहीं है एजुकेशन को लेके। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे ट्राइबल एरिया हैं, गाँव में हैं, वहाँ से एकदम ग्राउंड जीरो से चालू करना पड़ेगा। जब तक आप वहाँ से शिक्षित, शिक्षा का मतलब ही ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान से होगा, व्यावहारिक ज्ञान, उनको बाकी के एक्सपोजर होना जरूरी है। तो उस प्रकार से एजुकेशन देंगे तो बेसिक से चालू करेंगे तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि काफ़ी समय से दबाया गया है, अभी का नहीं है ये, पुराना है। तो धीरे 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 करके आएगा, अभी स्टार्ट हो गया, अच्छा है। आप आज वुमेंस डे है कैसे मना रहे हैं? आपके घर में माँ होंगी, बीवी होंगी, बहन होंगी? वाइफ के साथ हम लोग घूमने निकले हुए हैं यहाँ पर, आज उनको जहाँ तक हो सकता है जितनी भी जगह हैं घुमाने लेके जाएंगे और देखते हैं आगे क्या। क्योंकि औरत तो हर दिन अपने पति को स्पेशल फील कराने के लिए सुबह से 9 to 5 जॉब भी करती है और घर भी संभालती है। आज आप कुछ ऐसा कुछ खास करने जा रहे हैं क्योंकि आज उनका दिन है, स्पेशली उन्हीं का टाइम है आज का, आज जो भी वो विश करेंगे उनको फुलफिल किया जाएगा। तो बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुषों की भी यही राय है, यही उनका कहना है कि जो अशिक्षा है उसको, जो जैसा कि इन्होंने बताया कि ग्राउंड जीरो से, तो उसको वहां से शुरू करना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे गांव से, शहरों से ये चीजें निकल के आ रही हैं और लगातार इस पर हमें काम करने की भी बहुत जरूरत है, सरकार को बदलने की जरूरत है। आयुषी कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आयुषी उनको भी ले लेते हैं। हमारे साथ जवाहर है सत्ता से। जी जवाहर जी, क्या कहेंगे आप आज महिला दिवस के मौके पर? जी सुनिए जी, जो दोनों दोनों पार्टियां जो है जी, हाँ ये भी चुनाव में अभी दोनों पार्टियां, अभी बीजेपी और कांग्रेस सक्रिय है, उन्होंने महिलाओं के लिए जो सीटें रखी है, जो महिला का बिल तो पास कर देते हैं जी,
जी अपनी बात कहते रहिए जवाहर जी, हम आपको सुन रहे हैं। वो सीटें, सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ाई उन्होंने, ना उनको टिकट में कोई पार्टिसिपेशन ज्यादा दिया है। जी जवाहर जी, आपका अपनी बात रखने के लिए शुक्रिया। तो वैसे ज्यादातर जो कॉलर्स के फोन हमारे पास आए, दर्शकों के ज्यादातर का यही कहना था कि जो राजनीति है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़नी चाहिए, दोनों ही पार्टियों को अपने अपने पार्टी में महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, टिकट ज्यादा सीटों पर देनी चाहिए। तो राजनीति में चाहते हैं लोग भागीदारी ज्यादा हो महिलाओं की, और मिलीजुली राय लोगों की मिल रही है। कुछ महिलाएं जो कि बताती हैं कि क्या क्या बदलाव की जरूरत है, शिक्षित महिलाओं को करना चाहिए, ये तमाम राय रखी महिलाओं ने कि शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। आयुषी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया, और आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी उनका भी शुक्रिया। विकास, आपका हमसे बातचीत के लिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया। महिला दिवस पर हमारी इस खास पेशकश पर फिलहाल इतना ही।